हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के एग्जांपल्स, और एक्सरसाइज 7.2 के एग्जांपल्स बेस हैं सेक्शन फार्मूला पर। तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एग्जांपल्स करने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। कि सेक्शन फार्मूला की मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए, ये है बी, और ये जो पी पॉइंट है ए, ये पी पॉइंट और ये बी। तो ये जो पी पॉइंट है ये ए और बी को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहां से मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वन और वाई वन ए के, और बी के हैं एक्स टू वाई टू, और पी के हैं एक्स वाई, और ये रेशियो जो है ये है, इसको मान लेते हैं एम वन रेशियो एम टू। तो एक्स यानी जो P के कोऑर्डिनेट x की क्या वैल्यू आएगी, m1 x2 प्लस m2 x1 और m1 प्लस m2। सिमिलरली y की क्या वैल्यू होगी, y की वैल्यू होगी m1 y2, m1 y2, m2 प्लस m2 y1 और अपॉन में m1 प्लस m2। ये वैल्यू, ये सेक्शन फार्मूला जब यूज होगा जब हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। और अगर हमें रेशो निकालना हो कि इसके कुछ कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और इसके भी दिए हुए हैं, इसके भी दिए हुए हैं, लेकिन ये रेशो जो है ये नहीं दिया हुआ, तो इस केस में क्या होगा कि हम इस रेशो को मान लेंगे के रेशो वन। तो यहाँ से सिंपल एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एम की जगह के रख दीजिए और एम टू की जगह वन, तो के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन में के प्लस वन, और वाई की वैल्यू आएगी के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन में के प्लस वन। तो इस तरीके से हम रेशो की भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि क्या रेशो आएगा, वो भी हम फाइंड कर सकते हैं सेक्शन फार्मूले का यूज़ करके। एक केस और बनता है कि मिड पॉइंट्स के केस में क्या होगा, कि मिड पॉइंट दिए हुए हैं तो इसमें क्या होगा कि x की क्या वैल्यू आएगी, सिंपल x1 प्लस x2 अपॉन में 1 प्लस 1, यानी x1 प्लस x2 अपॉन में 2, क्योंकि यहाँ रेशो हमने माना है कि 1 रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है, और अगर रेशो 1 रेशो 3 होगा तो 1 प्लस का तो 2 ही आएगा। तो मिड पॉइंट क्या होता है कि जो किसी पॉइंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, कि वो उसका मिड पॉइंट है, इसके इधर का और इसके इधर का पार्ट सेम है। तो x की क्या वैल्यू आएगी, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, यानी यहाँ m1 m2 की वैल्यू है 1 1, और सेम y की वैल्यू आएगी y1 प्लस y2 अपॉन में 1 प्लस 1 2। तो ये तीन केस हैं जो सेक्शन फार्मूले पे बनते हैं और एक्सरसाइज 7.2 के एग्जांपल्स और एक्सरसाइज 7.2 में यूज होंगे। तो अब करते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हैं, 4 माइनस 3 8 5 इन द रेशियो 3 1 3 रेशियो 1 इंटरनली। तो सिंपल हमें यहाँ क्या है कि हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, यानी सेक्शन फार्मूले का फर्स्ट केस यूज़ करना है। तो इसमें इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 4 माइनस 3, इसको मान लेते हैं बी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 8 और 5, और रेशो क्या है कि एम वन रेशो एम टू की क्या वैल्यू दी हुई है 3 रेशो 1। अब हमें फाइंड क्या करना है, पॉइंट पी, तो x y उसके कोऑर्डिनेट मान ली, ये हमें फाइंड करना है। तो x की वैल्यू क्या होगी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब m1 की क्या वैल्यू है 3, और x1 y1 x2 y2, तो x2 की क्या वैल्यू हुई 8, तो 3 इंटू 8 प्लस 1, और x1 की वैल्यू है 4,
और अपॉन में एम वन प्लस एम टू यानी 3+1। तो ये क्या है, अब ये है सिंपल कैलकुलेशन। तो इसमें क्या है, 3 8 जै 24 प्लस 1 × 4 4 अपॉन में 4। तो x की क्या वैल्यू है, 24 और 4 28, 28 अपॉन में 4 यानी x की वैल्यू आई सिंपल 7। इसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू में क्या है कि m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब m1 y2, m1 वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है -3 और y2 की है 5। तो m1 y2 यानी m1 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है 5। तो 3 × 5 प्लस m2 y1 यानी 1 × -3। तो 1 × -3 अपॉन में m1 प्लस m2 क्या वैल्यू है, 3+1। तो 3 × 5 = 15 और 1 × -3 −3 अपॉन में 3 यानी 15 − 3 = 12 अपॉन 3 और अपॉन में 3। तो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 4। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई माना था हमने, तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए 7 और 4। तो इसका आंसर होगा कि 7 और 4 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे जो इस लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड करे। अब एग्जांपल नंबर 7, इसमें क्या है कि इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट −4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, ए पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं −6 और 10 और बी के दिए हुए हैं 3 और −8। तो इसमें सेक्शन फार्मूले का सेकेंड केस यूज होगा कि यहाँ पर आपको रेशियो निकालना है, आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट ऑलरेडी दिए हुए हैं कि अगर हम इसको मान लें पी पॉइंट जो इनको डिवाइड कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है −4 और 6 और ए के क्या कोऑर्डिनेट है −6 और 10 और बी के हैं 3 और −8। तो इस तरीके से अगर आप समझें कि ये बी पॉइंट, ये ए पॉइंट और ये है पी पॉइंट, ए के कोऑर्डिनेट हैं −6 और 10, बी के हैं 3 और −8 और पी के हैं −4 और 6। रेशो हमें फाइंड करना है। तो रेशो फाइंड करने के लिए हम इसको क्या मान लेंगे, k रेशो 1। अब यहाँ से हमें सिंपल x की वैल्यू निकालनी है, x और y की, और उनकी वैल्यू हमें यहाँ दी हुई है तो उनकी जगह हम इन वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इसका फार्मूला क्या बनता है कि x इज इक्वल टू के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन में के प्लस वन। अब यहाँ पर x की क्या वैल्यू है −4, के एक्स टू यानी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। तो एक्स टू की वैल्यू हुई 3, तो के इंटू 3 प्लस एक्स वन यानी −6 अपॉन में के प्लस वन और x की वैल्यू −4 दी हुई है। तो इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो −4 और k प्लस वन की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, k इंटू 3 यानी 3k −6, इसको ओपन करेंगे तो −4 × k −4 −4k −4 = 3k −6। के वाली वैल्यू इस साइड शिफ्ट कर दीजिए और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इस साइड, तो −4k − 3k और −6 और +4, तो ये हुआ −7k और −2। माइनस से माइनस कट, तो k की वैल्यू क्या आई 2:7। अब जब k की वैल्यू आई है 2:7, तो k प्लस k रेशो 1 की वैल्यू क्या आएगी 2:7 1, और जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आएगी वैल्यू 2:7। तो आंसर क्या है हमारा 2:7।
एग्जाम्पल नंबर 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन। अब ट्राइसेक्शन ही इस क्वेश्चन में समझने वाली बात है कि ट्राइसेक्शन क्या होता है, कि जो ट्राइसेक्शन ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जो किसी पॉइंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए, ए के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -2, और बी के हैं -7 और 4। तो हमें ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो ए और बी को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो। यानी ये अगर ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इसको 3 पॉइंट ऐसे हैं, तो पॉइंट ऐसे हैं जो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो, कि जैसे पहला पॉइंट मान लिया हमने पी और क्यू, तो ये क्या है कि एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। तो अगर हम पहले P की वैल्यू निकालेंगे, यानी P का कोऑर्डिनेट, तो ए पी रेशो पी क्यू क्या है, आप देखिए ए पी रेशो पी क्यू तो 1:2, और जब ए क्यू रेशो क्यू भी निकालेंगे तो ए क्यू यानी इस साइड एक और दो पार्ट रहे, तो ये आएगा 2:1। अब सिंपल आप देखें कि ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -2, और बी के हैं -7 और 4। तो पहले पी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, तो इसमें x1 की क्या वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है -7, और y1 की है -2, और y2 की है 4, और m1 रेशो m2 यानी 1:2। तो x की सेक्शन फार्मूले से क्या वैल्यू आएगी m1 x2 यानी 1 × -7 प्लस m2 x1 यानी 2 × 2 अपॉन में m1 + m2 यानी 1 + 2। तो -7 + 4 अपॉन में 3, यहाँ से x की क्या वैल्यू आई 7 - 7 + 4 यानी -3 अपॉन में 3, तो x की वैल्यू आई -1। इसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे तो m1 y2 यानी 1 × -2 प्लस m2 y1 यानी 2 × -2 और अपॉन में है 1 + 2। तो ये वैल्यू आई y की -2 और -4 अपॉन में 3 यानी -6 अपॉन में 3, तो ये वैल्यू आई -2। तो P के क्या कोऑर्डिनेट आए -1 और 2। तो P के कोऑर्डिनेट आए -1 और 2। अब निकालने हैं हमें Q के कोऑर्डिनेट, तो AQ ratio QB क्या है 2:1। तो x1 की क्या वैल्यू है, x1 की वैल्यू है 2, x2 की है 7 -7, y1 की है -2 और y2 की है 4, और m1 ratio m2 कितना है 2:1। यानी x की क्या वैल्यू आएगी m1 x2 यानी 2 × -7 प्लस m2 x1 यानी 1 × 2 अपॉन में m1 + m2 यानी 2 + 1। तो ये वैल्यू आई x की -14 + 2 अपॉन में 3 यानी -12 / 3 यानी x की वैल्यू आई -4। सेम इसी तरह y की वैल्यू निकालेंगे m1 y2, m1 की क्या वैल्यू है 2 और y2 की वैल्यू है 4, तो 2 × 4 प्लस m2 y1 यानी 1 × -2 अपॉन में 2 + 1 = 3। तो y की वैल्यू आई 8 - 2 / 3 यानी y की वैल्यू आई 2 8 - 2 6 6 / 3। एक्स की वैल्यू आई -4 और वाई की आई 2। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स वाई माना था हमने,
तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए एक्स की वैल्यू -4 और वाई की वैल्यू 2, और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है -1 और -2। तो यही दो पॉइंट हैं जिनके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आप पी की जगह -1 और 2 पुट कर देंगे, तो यहाँ से पहले आप ए पी और पी वी के बीच का जवाब रेशो निकालेंगे तो 1:2 आएगा। और क्यू की जगह अगर आप -4 और 2 रख देंगे क्यू के कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो ए क्यू रेशो क्यू बी जब आप निकालेंगे तो वो 2:1। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 8। अब नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें क्या है कि फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 5 और -6, और दूसरे वाले के -1 और -4। तो हमें जो रेशो फाइंड करना है वो वाई एक्सिस में करना है। तो इसका क्या मतलब है कि एक्स की जो वैल्यू है यानी एफ सीसा की जो वैल्यू है वो 0 है, तो हमें सिर्फ ऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पॉइंट क्या दिए हुए हैं, पॉइंट दिए हुए हैं, इसको मान लिया हमने ए 5 और -6, और ये मान लिया बी -1 और -4, और जो पॉइंट दिया हुआ है उसमें क्या है कि एक्स की वैल्यू 0 है और जो वाई की सिर्फ वाई एक्सिस पर वो पॉइंट है, तो हमें वो फाइंड करना। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है इसमें रेशो क्या आएगा, फिर उसके बाद हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी इस पी की वैल्यू भी फाइंड करनी है कि पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो रेशो फाइंड करने के लिए सबसे तो फार्मूला है कि एक्स की क्या वैल्यू आएगी, k(x2+x1)/k+1, कि रेशो क्या है हमने वो मान लिया k:1। तो एक्स की क्या वैल्यू है, एक्स तो इसमें पहले ही 0 दिया हुआ है, तो अब के और x1 y1 की आप वैल्यू देखेंगे कि x1 x2 और y1 y2। तो x1 की क्या वैल्यू है इसमें, 5, और x2 की -1, y1 की -6 और y2 की -4। तो k x2 यानी -1+x1 कितना है, k x1 है 5/k+1। तो k+1 ये तो इस साइड 0 हो गया, तो 0 k -k+5 यानी -k=-5, माइनस से माइनस कट, तो k की वैल्यू आई 5। तो रेशियो क्या आया, रेशियो आया सबसे पहले रेशियो आया 5:1, कि y की सेकंड वाला रेशियो तो 1 है, तो k की क्या वैल्यू आई 5, तो रेशियो आया 5:1। अब हमें निकालना क्या है कि p के कोऑर्डिनेट निकालने हमें। अब p के क्या है कि x की तो पहली वैल्यू 0 दी हुई है, तो हमें y के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। और y के इसमें फार्मूला क्या होता है, y के इसमें केस में होगा कि m1 x2 m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। अब यहाँ आप m1 m2 इनको मान लीजिए, m1 m2, तो m1 की वैल्यू है 5 और m2 की है 1। तो y के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, m1 y2 यानी m1 y2 m1 y2, तो 5 × -4+m2 y1 यानी 1 × -6 अपॉन में m1 plus m2 यानी 5 plus 1। तो 5 × -4 -20 और 1 × -6 -6 upon में 6 यानी y की वैल्यू आई -26/6। इसको आप 2 से कट करेंगे तो आएगा -13/3। तो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 -13/3, कि एफ सीसा की वैल्यू तो है
जीरो, और वो पॉइंट कहाँ था, वाई एक्सिस पर, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और -13/3। अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10, इफ द पॉइंट्स ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 6 और 1, और बी के हैं 8 और 2, सी के हैं 9, 4, और डी के हैं पी और 3, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। यानी ए ए बी सी डी, तो ये क्या है, ए के ऑर्डिनेट्स हैं 6 1, बी के हैं 8 2, सी के हैं 9 4, और डी का है पी 3, तो ये क्या है, वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। तो एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपने ज़रूर पढ़ी होगी कि डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसमें डायगनल्स कौन से होंगे, यानी ए सी और बी डी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाय इसका मतलब है कि मिड पॉइंट्स ऑफ इसके, पहला डायगनल है ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, यानी इसके कोऑर्डिनेट ए सी के जो होंगे उनका मिड पॉइंट इक्वल होगा बी डी के कोऑर्डिनेट, यानी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें फाइंड करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसका मतलब है कि हमें ए सी के एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, और तो इसमें सेक्शन फार्मूले का थर्ड वाला केस यूज होगा क्योंकि ये मिड पॉइंट का केस है। उसके अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू, यानी x2 + x1/1 यानी 2, x2 + x1/2। अब इसमें एसी में आप देखिए कि x1 की क्या वैल्यू है, 6, और x2 की 9, y1 की क्या है, 1, और y2 की है 4। तो सिंपल यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी, x2 + x1 यानी 9 + 6/2, तो x की वैल्यू आई 15/2। और इसी तरह y की निकालेंगे तो y की भी आएगी y2 + y1/2, तो y2 क्या है, 4 + 1/2, तो y की आई 5/2। अब ये आए मिड पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए सी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, वो क्या हैं, यानी xy 15/2 और 5/2 और 5/2। अब इसी तरह हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं मिड पॉइंट ऑफ डायगनल बी, उसके बी डी के, तो बी डी के केस में यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब बी डी के केस में आप देखिए कि x1 x2 और y1 y2 की क्या वैल्यू बी डी के केस में, तो x1 की वैल्यू है 8 और x2 की है p, y1 की है 2 और y2 की है 3। तो अब सिंपल हमें पहले x के वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू क्या आएगी, x2 + x1, x2 कितना है, p + 8/2, और वाई की क्या वैल्यू आएगी इसी तरह 3 + 2/2। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ बी डी की क्या वैल्यू आई,
ए आई 5/2, तो ये आई पी प्लस 8/2 इक्वल, और वाई क्या है 5/2। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट्स ऑफ बी डी। अब यानी ये जो ए सी के कोऑर्डिनेट आए हैं ये इक्वल होंगे बी डी के, यानी 15/2 5/2 इक्वल किसके हैं, पी प्लस 8/2 अपॉन में 5/2। तो 5/5/5/2 और 5/2 तो सेम है, हमें क्या निकालनी है पी की वैल्यू। तो यानी 15/2 इक्वल टू पी प्लस 8/2, तो 2 से 2 कट, 15 इक्वल टू क्या है पी प्लस 8 को इस साइड ले आएंगे, 15 - 8 इक्वल टू पी, तो पी की क्या वैल्यू आई 7। तो यही हमें निकालनी थी। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज 7.2 के एग्जाम्पल्स की क्लास फिनिश हो जाती है। उम्मीद है कि ये क्लास आपके समझ आई होगी, और अगर ये क्लास आपके समझ आई है तो आप इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी बेनिफिट हो। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन, जो कि सिंपली बेस हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, कि सेक्शन फार्मूले के कॉन्सेप्ट पर, जो सेक्शन फार्मूले के 3 केस हैं ये ही उसमें यूज़ हो। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।